सर्स इफ ए पावर एन इक्वल टू बी विच इम्प्लाइज ए इक्वल टू बी पावर वन बाई एन, मीन्स अगर ए की पावर एन इक्वल टू बी है तो मुझे ये पावर है ना पावर ये क्या चल जाती है उस साइड जब जब जाएगी दूसरी साइड वो पावर में क्या बनती है फ्रैक्शन बन जाती है मतलब वन बाई एन में बन जाती है। और हम इसको और बी की पावर वन बाई एन को क्या लिखते हैं हम एंथ रूट ऑफ बी मतलब ये एंथ रूट बनते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल ए स्क्वायर इक्वल टू बी है तो विच इम्प्लाइज ए इक्वल टू क्या आ जाएगा रूट बी ए क्यूब इक्वल टू बी है विच इम्प्लाइज ए इक्वल टू क्या आएगा क्यूब रूट ऑफ बी क्लियर। तो लॉस दिए हैं कुछ लॉस बताता हूं मैं इसको लॉस ऑफ सर्ड्स पहला दिया हमें एंथ रूट ऑफ ए बी एंथ रूट ऑफ ए बी तो हमने इनको एंथ रूट ऑफ ए इंटू एंथ रूट ऑफ बी मतलब अलग अलग रूट दिया जैसे फॉर एग्जाम्पल एंथ रूट ऑफ टू इंटू थ्री है तो मैं इनको ना एंथ रूट ऑफ टू इंटू एंथ रूट ऑफ थ्री ऐसे अलग अलग लिख सकता हूँ मैं ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या दिया गया हमें उसने दिया है एंथ रूट ऑफ दिया गया एंथ रूट ऑफ ए अपॉन बी है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं एंथ रूट ऑफ ए अपॉन एंथ रूट ऑफ बी अलग अलग अपॉन दे दिया हमने क्लियर। थर्ड रॉ क्या दिया गया हमें एंथ रूट ऑफ ए होल पावर क्या है एन है ना तो हम इसको क्या लिख सकते हैं राजा भाई लीड हो गया एंथ रूट ऑफ ए होल पावर एन है तो ये क्या आ गया ए यहां पे जो एंथ रूट है मैंने आपको बताया एंथ रूट को हम कैसे लिखते हैं ये जो एंथ रूट है इसको ए वन बाई पावर लिखते हैं एन ये आएगा ए की पावर वन बाई एन एन वन बाई एन वन बाई एन ठीक है। और ये आ गया और ऊपर गया है ये वाली पावर भी है एन है कि नहीं। और मैंने आपको एक लॉ बताया था ए की पावर एम की पावर एन हो तो क्या लिखते हैं ए की पावर एम एन ए की पावर एम एन तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अब ये पावर में पावर है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी तो क्या आ जाएगा ए की पावर वन एन जब वन एन जब एन अपॉन एन जे एन एन कट जाएगा क्या आ जाएगा ए आ जाएगा मतलब एंथ रूट ऑफ ए की पावर अगर एन है तो मेरे पास क्या आ जाएगा ए की ओके। नेक्स्ट बताने जा रहा हूं मैं आपको नेक्स्ट है एमथ रूट ऑफ ए की पावर एन अगर एमथ रूट ऑफ ए की पावर होल पावर एन लेते हैं इस तरह से बाहर तो ये क्या आ जाएगा ये आएगा ए की पावर वन अपॉन एम होल पावर क्या है एन है ना तो पावर पे पावर तो मल्टीप्लिकेशन हो जाती है तो ये क्या आ जाएगा ए की पावर एन अपॉन एम पावर एन अपॉन है क्योंकि एन बन जा एन आ जाएगा तो एन अपॉन एम आ गया क्लियर। फिर इसके बाद नेक्स्ट रूल है हमारे पास अगर एंथ रूट फिर एंथ रूट ऑफ ए दिया गया हो तो ये किसके को लगता है ए की रूट लेते हैं एम एंथ रूट ए लिख देते हैं ठीक। जैसे मैं लेता हूं थर्ड रूट फोर्थ रूट ऑफ फाइव है तो हम इसको इसको कैसे करते हैं देखो मैं आपको बता दूं ये कैसे रिजल्ट है इसको लिखते हैं हम थ्री इंटू फोर्थ रूट ऑफ फाइव मीन्स ट्वेल्व रूट ऑफ ट्वेल्थ रूट ऑफ फाइव क्या आएगा ट्वेल्थ रूट ऑफ फाइव बट आया कैसे अभी आपको इसके बारे में बता थोड़ा सा ऐसे डिटेल में आते हैं ये लिखा हमें थर्ड रूट लेकिन इस फोर्थ को जैसे मैं लिखा ये जो एंथ रूट हम इसको इस तरह से लिखते हैं ना बी की पावर वन बाई एन ये ना एंथ रूट बी दिया था हमें बी की पावर वन बाई एन लिखा उसी तरह से फाइव की पावर क्या आ जाएगी वन अपॉन फोर आएगी कि नहीं आएगी अब ये भी तो थर्ड रूट है ना अब ये भी क्या आ जाएगा फाइव की पावर वन बाई फोर अब इसको हम क्या लेंगे पावर में लेंगे तो क्या आ जाएगा वन बाई थ्री आ जाएगा समझा अब ये कितना आ जाएगा पावर पे पावर हो मैंने बताया पावर के ऊपर पावर तो पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है तो ये क्या लेंगे फाइव की पावर वन बाई फोर मल्टीप्लाई बाई वन बाई थ्री तो ये कितना आ गया फाइव की पावर वन वन जा वन फोर थ्री जा ट्वेल्व अब जो वन बाई ट्वेल्व है तो क्या मैं इसको ट्वेल्थ रूट ऑफ फाइव नहीं लिख सकता ओके कोई क्वेश्चन रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ ए सो ऑन टू एन टाइम्स कितने टाइम्स है एन टाइम्स और ये क्या आता है ए की पावर
टू एन माइनस वन अपॉन टू एन। ओके ये फॉर्मूला है, ये याद रखना पड़ेगा आपको फॉर्मूला। मीन्स क्या है, ए ए ए टू की पावर एन, देखिए कितना आता है, ए की पावर टू पावर एन माइनस वन अपॉन टू पावर एन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, मैं टू ही ले लेता हूँ, टू रूट ऑफ टू रूट ऑफ टू रूट ऑफ टू, कितना एक्स ले रहा हूँ मैं, एक दो तीन चार, ये लिख लेता हूँ मैं कोई टेन टाइम्स, कितना एक्स लिख रहा हूँ, टेन टाइम्स। तो ये क्या रिजल्ट आएगा, जहाँ पे क्या टू है ना, ये आएगा टू की पावर टेन माइनस वन अपॉन टू की पावर टेन। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, टू की पावर टेन बताया था कल मैंने, टू की पावर टेन कितना आता है, हाँ दस चौबीस, मतलब टेन ट्वेंटी फोर माइनस वन अपॉन टेन ट्वेंटी फोर, टेन ट्वेंटी फोर में से वन निकाले कितने आते हैं, टू की पावर टेन ट्वेंटी थ्री अपॉन टेन ट्वेंटी फोर, जी आ गया इसका, समझ आया, ये थे क्या लॉज ऑफ सर्ट्स। ओके, कोई डाउट कुछ इसके बेस पे मैं क्या देता हूँ आपको एग्जाम्पल्स देता हूँ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।